गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए 400 का धर्मांतरण। क्या आपका बच्चा भी ऑनलाइन गेम खेल रहा है? क्या आपके बच्चे के फोन में भी डिस्कॉर्ड ऐप है? क्या वो छुप छुपा कर किसी से बात करता है? अगर ये सभी कुछ आपका बच्चा कर रहा है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा किसी ऐसे शख्स को फॉलो कर रहा हो जो उसके दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, ये बात आपको हैरान जरूर कर सकती है, लेकिन ये सच है। असल में गाजियाबाद में से एक ऐसे ही गिरोह को पुलिस ने भांडाफोड़ किया है जो बच्चों के मासूम मन और दिमाग से खेलकर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। आपने ठीक सुना, ये गैंग वीडियो गेम्स के जरिए बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाता था। देखिए, 30 मई को एक नाबालिग बच्चे के फैला फुसला के धर्मांतरण के मामले में हमने थाना कविनगर क्षेत्र में कवियों को पंजीकृत करा था। इसमें दो लोग का नाम सामने आ रहा था, एक बद्दू नाम की डिजिटल आइडेंटिटी आ रही थी और एक मौलवी का नाम आ रहा था। साक्ष्य संकलन के बाद मौलवी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी गई है। वीडियो गेम्स के माध्यम से पहले गाजियाबाद में खबर आई थी, यहाँ बद्दू नाम का एक शख्स बच्चों के मासूम मन और दिमाग से खेलकर बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा देता था। अब गुजरात के रहने वाले एक व्यक्ति ने गाजियाबाद पुलिस को फोन किया है, जिसमें वो दावा कर रहा है कि गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए 400 के करीब लोगों के धर्मांतरण कर दिया गया है। देखिए, 30 मई को एक नाबालिग बच्चे के फैला फुसला के धर्मांतरण के मामले में हमने थाना कविनगर क्षेत्र में कवियों को पंजीकृत करा था। इसमें दो लोग का नाम सामने आ रहा था, एक बद्दू नाम की डिजिटल आइडेंटिटी आ रही थी और एक मौलवी का नाम आ रहा था। साक्ष्य संकलन के बाद मौलवी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी गई है और बद्दू नाम की आइडेंटिटी, जिनका असली नाम शहनवाज मसूद खान थे, की गिरफ्तारी हेतु हमने टीम रवाना कर रखी है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। एक गुजरात से हमको इंटेल मिला है, एक व्यक्ति का फ़ोन आया जिन्होंने कुछ फ़ोन रिकॉर्डिंग्स, कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़ और कुछ फ़ोन नंबर शेयर करें, जो बता रहे हैं कि मुमरा क्षेत्र में काफ़ी मास कन्वर्जन हो रखा है और उसको अभी वेरीफाई करना भी बाकी है। सर, कुछ बताएं लोगों ने कि कितने लोगों के कन्वर्जन अब तक कराएं लोगों ने, कुछ ऐसा कुछ इनपुट मिला? उन्होंने 400 लोग का क्लेम करा है, बट स्टिल इट हैज टू बी वेरीफाइड। बहरहाल, पुलिस बद्दू की तलाश में जुटी है और वही ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जरूरत इस बात की भी है कि अब हम भी सावधान हो जाएं और अपने बच्चों को इस गेमिंग ऐप से दूर रखें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।